Hey guys, welcome back to the brand new video on the channel. This is Rahul Sharma and you're watching Game Nerds YouTube channel. Guys, in this particular video, I'm going to talk about Showtime, jo apna purana AG Fox ka squad rehta hai. Bahut ek aggressive squad hai and yahan pe even situation inke liye kharab thi. Ye last match rehne wala hai. Inko yahan pe bahut zyada points chahiye the, but last match mein chicken leke jaate hain. 2 versus 24 ki situation thi. I guess usme se ek player yahan pe 10 kills leke jata hai and baaki players bhi bahut acha khelte hain guys. Kuch player yahan pe early exit ho jata hai kuch players ka, but jo do players rehte hain Showtime के श्वाग एंड साथ में उनके साथ दचवन, ये दोनों प्लेस बहुत अच्छे खेलते हैं. सो ड्रॉप लोकेशन इनका रहने वाला सेम एच टीएसएम एंटिटी, जैसे अपने टीएसएम एंटिटी थी अश्नाया में, ये प्लेयर भी अश्नाया में उतरते हैं. काफी एक एग्रेसिव टीम है. आई डोंट नो एग्रेसिव टीम्स ही यहां पे क्यों जाती हैं, क्योंकि टीएसएम भी बहुत एग्रेसिव है एंड ये टीम भी बहुत एग्रेसिव खेलते हैं गाइस. गन पावर इनका दिखाने वाला हूं. धीरे-धीरे सर्कल क्लोज इन होते जाते हैं एंड इनकी रोटेशन आप देख सकते हो, धीरे-धीरे ये भी क्लोज इन कर रहे हैं एंड गाइस जोन के बाहर रहने वाले. ये थर्ड शिफ्ट होता है एंड इसमें अगर आप देखोगे शो टाइम के दो प्लेयर एक साइड, दो प्लेयर यहां पे एक दूसरी साइड रहते हैं. सो इनको क्या करना था, इनको रोटेशन डालना था. रोटेशन में इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है. आरएनजी यहां पे रहती है, टीसी यहां पे रहती है गाइस. ये स्क्वाड इनको दिक्कत देना स्टार्ट कर चुके थे. शो टाइम के दचुन को स्पॉट करते हैं, एलन नॉक करन नहीं कर जाता है, बट उसके बाद इवन शूजन यहां पे 99 को नॉक देते हैं, बट जैसे पुश करने की ट्राई करते हैं पुश नहीं कर जाता क्योंकि दचुन वहां पे थे, बाकी मेंबर्स भी आते हैं. पुश यहां पे रुक जाता है एंड यहां पे आरएनजी इवन जोन के बाहर फाइट नहीं लेना चाहती. उसके बाद इनको रोटेशन करना है. आफ्टर दैट जितने भी यहां पे एक साइड की स्क्वाड रहती है, जैसे एसीटी नोवा साथ में यहां पे Q9, इनके साथ गाइस ये काफी अच्छे तरीके से फाइट लेते हैं एंड अब हमारी वीडियो स्टार्ट होती है. तो एज यू कैन सी दोनों स्क्वाड्स को आगे जाना था, नोवा को आगे जाना था एंड साथ में शोटेम को आगे जाना था. तो शोटेम पीछे से क्या करते हैं, नोवा के ऊपर पुश करते हैं. जब नोवा फाइट ले रही होती है एसएमजी से एंड साथ में एसीटी से, सो जैसे यहां पे शोटेम पुश करती है, शोटेम वाले एसीटी को भी मारते हैं, एसएमजी को मारने की ट्राई करते हैं. बहुत अच्छे तरीके से ये प्लेयर यहां पे नोवा के ऑर्डर एंड नोवा के वाई आई को मारते हैं. नोवा ऑर्डर एंड नोवा वाई आई को अगर क्लीस भी क्लोज रेंज फाइट में गाइस आप डाउन कर देते हो, उसके बाद आपको इजी हो जाता है थोड़ा सा नोवा को वाइप आउट करना एंड उसके बाद ये प्लेयर पैरा बॉय को भी डाउन करते हैं बैगी से रैन ओवर करके. सो गाइस यहां पे अपनी फाइट्स अब स्टार्ट होती हैं. इसके बाद इनके सिचुएशन देखना, कैसी कैसी सिचुएशन ये बंदे डील करते हैं एंड उसके बाद एक चिकन डिनर मार के जाते हैं. सो अगर आप तक आपने वीडियो देखा सो फटाफट से कमेंट टाइप कर देना कि भाई अब तक मैं देख रहा हूं एंड उसके बाद यहां पे पूरा वीडियो वॉच करना. सो गाइस अब मैं आपको सर्कल दिखाता हूं. सर्कल के बाहर ये टीम, इसके सामने यहां पे दो टीम थी, एक टीसी एंड साथ में Q9. सो दोनों टीम्स को यहां पे टिक डाउन करना था. टाइम इनके पास नहीं था क्योंकि अगर Q9 को मार के डाउन नहीं करते तो टीसी वाले या फिर Q9 वाले इनको मार के डाउन करते एंड बाकी जो आगे गेटकीप जो टीम कर रहे हैं वो इनको डाउन कर सकती थी. बट कैसे ही अब ये प्लेयर खेलते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं. बहुत अच्छा एक एग्रेसिव यहां पे पुश दिखता है. एलन यहां पे एक इवन एक नॉक लेते हैं टाइम के प्लेस के ऊपर, बट उसके बाद गाइस ये प्लेयर यहां पे रिवाइव होते हैं एंड आफ्टर दैट यहां पे Q9 के ऊपर एक बहुत ही सुनहरा पुश करने वाले हैं, वो आपको दिखाता हूं. शो टाइम के पास इस टाइम पे यहां पे ओनली 3 प्लेयर थे. 3 प्लेयर को यहां पे 3v4 फाइट एंड थी. बहुत अच्छी एक फाइट निकालते हैं, बगीज में बैठते हैं एंड उसके बाद यहां पे आगे जाके इन पे पुश करने की ट्राई करते हैं एंड बहुत अच्छा एक पुश निकालते हैं. यहां पे इवन सिचुएशन थोड़ी सी खराब भी हो गई थी, बट जैसे ये प्लेयर जाएंगे आगे बगी से यहां पे रैन ओवर करने में मास्टर है प्लेयर. 3 नॉक यहां पे Q9 के स्क्वाड को मिलते हैं. सो ये सिचुएशन इनके लिए खराब हो चुकी थी. इवन रिटेलिएशन फायर में 2 नॉक सामने वाली टीम को भी मिल चुके थे. वाई डबल जी यहां पे रहते हैं, एक सो प्लेयर यहां पे आगे आने की ट्राई करता है, उसको भी यहां पे नॉक करा जाता है एंड जो पीछे एक प्लेयर था उनको भी नॉक करा था, वो जो शूटिंग के दचवन. सो दचवन गोस डाउन एंड एक और प्लेयर गोस डाउन एंड गाइस ये जो अकेला प्लेयर रहता है इसके बाद ये बहुत अच्छा खेलने वाला है. वाई डबल जी को स्पॉट करता है, रिवाइव देने के बाद इनको डाउन करता है. पूरी की पूरी स्क्वाड यहां पे 1v3 ये प्लेयर निकाल चुका था एंड ही इज नन अदर देन Showtime Swagger. So ये प्लेयर गाइस यहां पे बहुत अच्छा खेलने वाला है. इसके बाद इसका पूरा गेम प्ले मैं आपको दिखाने वाला हूं. So Showtime के दचुन के पास यहां पे बगी रहते, धीरे-धीरे करके आगे जाते हैं. इनके सामने यहां पे सिचुएशन बहुत खराब थी. आगे टीसी का पूर लाइनअप था, उसके बाद यहां पे कुछ और भी लाइनअप थे जिनको इनको डाउन करना था. WVG 4 मैन स्टैंडिंग अभी भी सर्कल में थी, बट एक सर्कल का शिफ्ट आता है, बट यहां पे Showtime फिर से एक बार यहां पे सर्कल के बाहर. सो ये सिचुएशन गाइस इनको फेस करने को मिलनी थी. टीजे का बंदा एक सेंटर में यहां पे शैक होल्ड करता है, टीईसी की लाइनअप बाहर रहती है, डब्ल्यूवीजी बाहर रहती है, बट यहां पे दिक्कत है बहुत सारी थी स्क्वाड्स को. सो टीसी वाले क्या करते हैं, टीसी वाले अभी व्हीकल में बैठते हैं, रोटेशन डालने की ट्राई करते हैं. जेड 9 यहां पे सेंटर में जो बंदा था उसको डाउन कर चुके हैं. एलन एंड बाकी जितने मेंबर्स रहते हैं टीसी वाले उन पे पुश करते हैं, मोलोटोव कुक करते हैं, बट मोलोटोव अपने आप पे थ्रो कर जाते हैं एंड इनको यहां पे ये प्लेयर डाउन करने के लिए आ जाते हैं. बट इस बात का फायदा उठाती है यहां पे
जापनी स्क्वाड है शो टाइम की स्क्वाड, बट यहाँ पे ईगल की पोजीशन गाइज काफी अच्छी थी, ईगल डाउन कर सकते थे बट स्टिल यहाँ पे शो आगन एक नॉक दिया, फटाफट से कंफर्म करने लग जाते हैं, दूसरी साइड से यहाँ पे किल और चोरी कर जाते हैं इनके, बट यहाँ पे जो ईगल रहते हैं इनको पता था कि ईगल यहाँ पे ईगल को मारना बहुत जरूरी है एंड ईगल को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइज अभी स्पॉट करते हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पे दच वन इनके ऊपर नेड्स मारने की ट्राई करते हैं, दूसरी साइड से इनको रिटेलिएट करा जा रहा था, मारने की कोशिश करी जा रही थी, बट दच वन यहाँ पे रहेंगे, शो टाइम के दूसरे प्लेयर जो स्वागत रहते हैं आगे चले जाते हैं एंड दच वन बहुत अच्छे तरीके से गाइज इस प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आगे मूव करेंगे। सो ये प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे थे बट अभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि एक प्लेयर नॉक हो जाता है, दूसरी साइड बहुत अच्छी फाइट चल रही आती है, इवन जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था आई वॉज लाइक कि इनमें से कोई टीम ऐसी होने वाली है, लाइक एलजेडी काफी अच्छा खेल रही थी, एलजेडी जीत सकती है या फिर डब्ल्यूबीजी के पास एक बहुत सुनहरी पोजीशन थी, बहुत अमेजिंग पोजीशन थी उनके पास, तो उस पोजीशन का यूज करके ये प्लेयर यहाँ पे हर एक फाइट को वॉच करके उनको टेकडाउन कर सकते हैं। इवन जो एचडी के प्लेयर्स यहाँ पे एलजेडी का फाइट ले रहे थे भाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे नॉक्स पे नॉक्स दे रहे थे एलजेडी को, एलजेडी वाले भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से एचडी के साथ फाइट ले रहे थे। गाइस एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट थी तभी मैंने इस फाइट को रखा है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ना शूकी उसके बाद यहाँ पे एक नेड करते हैं, साथ में स्टन करा जाता है दूसरी साइड से, सबसे पहले तो प्लेयर को स्टन करा गया उसके बाद यहाँ पे अंदर की साइड को एक नेड डाला गया एंड वाय को यहाँ पे उस नेड से गाइस काफी ज्यादा डैमेज होने वाला है एंड उस नेड से वो नॉक होने वाला है। सो ये चीजें रहती हैं, नेड्स ये प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एससी के लॉलिता भी इवन रिवाइव करने की ट्राई करते हैं, वाय भी आगे जाते हैं। और गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे शो टाइम के स्क्वाड की, तो शो टाइम वाले कॉन्टिन्यूसली इस फाइट को वॉच कर रहे थे एंड देख रहे थे कि कौन सा टीम यहाँ से बाहर आते हैं, क्योंकि किसी ना किसी टीम को इस सर्कल के बाद यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, डब्ल्यूबीजी के प्लेयर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इनको मारने की ट्राई कर रहे थे। सो ये सिचुएशन इन दोनों स्क्वाड्स के लिए खराब जाता है, एलजेडी वाले मेंबर्स यहाँ पे लॉलिता को स्पॉट करते हैं, डाउन करते हैं इनको एंड पूरी लाइनअप को खत्म करते हैं, बट यहाँ पे एक सिचुएशन थी, यहाँ पे इनको पता था एसडी के स्वागत को पता था कि एलजेडी के मेंबर्स को बाहर आना है, अपने को अपनी एक साइड क्लियर करनी है। सो इजीली यहाँ पे कौन सी साइड क्लियर हो सकती है, वो थी एलजेडी वाली साइड, क्योंकि एलजेडी के पास कवर्स नहीं थे, डब्ल्यूबीजी के पास कवर्स रहते हैं। सो गाइस ये क्या प्लेयर करते हैं, स्पॉट कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, जैसे प्लेयर्स बाहर आने की ट्राई करते हैं वन बाई वन ये प्लेयर नॉक देता है एंड दो जो प्लेयर होते हैं लास्ट मैन वाज सुकी, तो सुकी को भी अभी स्पॉट करा जाएगा एंड उसी टाइम यहाँ पे शो टाइम के दचवन दूसरी टीम को मार के यहाँ पे रिटेलिएट कर रहे थे कि भाई तुम पीछे जा, तुम हमारे प्लेयर्स को नहीं मारोगे। उसके बाद गाइस क्या था, 2v1 पुश करने वाले थे डब्ल्यूबीजी, शो टाइम के दचवन एक साइड में, बट स्वागत यहाँ पे काफी अच्छा खेलता है, पहले प्लेयर को दोनों प्लेयर लो करते हैं, स्वागत एक नॉक निकालते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे चेन्नई को भी लो करके एक बहुत अच्छा यहाँ पे नेड करा जाता है शो टाइम के दचवन की साइड से एंड दचवन का जैसे यहाँ पे जाता है वैसे ही गाइस यहाँ पे चेन्नई डाउन होते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो लास्ट रिमेनिंग मेंबर थे उनको भी स्वागत डाउन करता है, 10 kills ये प्लेयर लेके जाता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप इन प्लेयर्स के बारे में जानो एंड इनको भी यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट करो। सो गाइस बस यही था इस वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी है शेयर करना पक्का, लाइक करना क्योंकि अप्रिशिएशन इन स्किल्स के लिए बनता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, ओ गाइस मैन पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।